हे गाइस, सुप्रभात, राम राम सभी को। तो गाइस अभी मस्त आ गए हम लोग गार्डन में, यहाँ पर कपड़ा सूख रहा है और गाइस हम लोग यहाँ पर आके क्रिकेट खेल रहे हैं। मस्त यहाँ पर नेट वगैरह लगा हुआ है गाइस, और यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं राकेश भैया, और अभी हम बॉलिंग कर लिए, इनको आउट किए हैं गाइस। अभी इनका बॉलिंग आ गया, अब हम भी बैटिंग करेंगे। अभी वहाँ पर हमारा प्लेयर खेल रहा है छोटा भीम, देख लीजिए, और मस्त यहाँ पर राकेश भैया बॉल डाल रहे हैं अभी। और गाइस हम लोग का यहाँ पर नेट वगैरह भी अच्छा से लगा हुआ है ताकि बॉल इधर उधर ना जाए। तो अभी देखते हैं राकेश भैया इसको आउट करेंगे तो हम जाएंगे फिर बैटिंग करने। मस्त इस राकेश भैया चेंज हो गए, आउट नहीं कर पाए हमारा छोटा भीम को। अभी दूसरा बॉलर आ गया यहाँ पर, देख लीजिए, और ये हमारा छोटा भीम जो है आउट नहीं हो रहा है गाइस, बैटिंग कर रहा है आराम से। सो गाइस अभी हमारा मस्त ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पर, केला और रोटी। गाइस मस्त खरीद के रोटी लाए थे रात में, और देख लीजिए कितना पतला पतला रोटी, एकदम कागज के जैसा। तो अभी मस्त हमारा यही नाश्ता हो रहा है यहाँ पे, केला रोटी। तो गाइज मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब हम लोग लग गए हैं लंच का तैयारी में। और गाइज आज राकेश भैया का छुट्टी है, ड्यूटी पे नहीं गए हैं राकेश भैया, और हम लोग बना रहे हैं आज अपना, देख लीजिए यहाँ पर गोभी है और यहाँ पर आलू हम छील रहे हैं। आज हम लोग का मस्त बनेगा गोभी आलू का सब्जी और चावल दाल। तो हम लोग अभी मस्त अपना लंच का तैयारी कर रहे हैं गाइज अभी फटाफट। सो गाइज मस्त हमारा चावल बन के रेडी हो गया और यहाँ पर दाल भी बन गया है, और दाल के लिए यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं राकेश भैया, देख लीजिए एकदम हमारा कुक है एकदम मजबूत। और गाइज यहाँ पर टमाटर प्याज मिर्चा डाल के लाल कर रहे हैं, उसके बाद दाल डालेंगे इसमें। और ये गाइज यहाँ पर प्याज और मिर्चा काट के रखे हैं गोभी के लिए, गोभी का सब्जी बनने वाला है, देख लीजिए यहाँ पर काट कूट के रखे हैं गोभी। और अभी हमारा फिलहाल यहाँ पर हो रहा है दाल का फ्राई। तो गाइज मस्त अभी अपना एक कुल्फी ले लिया और इसको खाते हैं अभी मस्त, हम भी लिए, राकेश भैया भी लिए हैं। तो गाइज देख लीजिए यहाँ पर राकेश भैया भी खा रहे हैं अपना आइसक्रीम, लिए हैं ये भी कुल्फी। हमारा यहाँ पर खाना पीना चालू हो गया, दाल भात और सब्जी अपना गोभी आलू का, और यहाँ पर सेम कांचार जो गांव से लेके आए हैं, और मस्त यहाँ पर राकेश भैया खा रहे हैं। हम अपना फिनिश करने वाले हैं, हमारा तो अब खत्म होने वाला है, सबको यहाँ पर बैठ के खा रहा है गाइज अपना। मस्त यहाँ पर भोजन चालू हो गया, अभी मस्त जा रहे पानी भरने के लिए, पीने का पानी अभी आ गया नल में पानी, तो जा रहे पीने का पानी भर दे रहे हैं। यहाँ पर बाल्टी है लेके चलते हैं, और गाइज ले लिए हैं चाबी ताकि यहाँ पर नल में गाइज लॉक लगा के रख, नल में यहाँ पर लॉक रहता है ताकि दूसरा कोई ना भरे, जिसका नल है वही भरे। तो अभी हम भी ले लिए हैं चाबी ले लिए हैं और जा रहे हैं अभी मस्त पीने का पानी भर देते हैं उसमें। गाइज देख लीजिए अभी यहाँ पर नल में लॉक लगा के रखा गया है, यहाँ पर इसका चाबी, अभी खोलते हैं और मस्त यहाँ से पीने का पानी भर के लेके चलते हैं गाइज। तो अभी मस्त यहाँ पर लॉक अपना खुल गया और नल को करते हैं स्टार्ट अप, और बाल्टी लगा दिए गाइज मस्त यहाँ पर, देख लीजिए प्रेशर में आ रहा है पूरा पानी। तो गाइज अभी मस्त शाम का बज गया 7 और निकल गए हम और राकेश भैया कुछ घूमने फिरने के लिए, कुछ खा पी के आते हैं गाइज। रात हो गया तो थोड़ा सोचे कि बम्बई का गली वगैरह में घूमे थोड़ा बहुत, तो अभी सोच रहे कहीं जाके कुछ खाए पिए और मस्त खा पी के आते हैं। 7 बजे निकले हम और राकेश भैया बाजार में जा रहे हैं, थोड़ा देखे बम्बई का गली घूमे, थोड़ा खा पी के मस्त गुपचुप गुपचुप खा के आते हैं गाइज। तो गाइज अभी मस्त आ गए हम लोग रोड पे यहाँ पर, अभी यहाँ पे तो हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है खाने पीने का, और यहाँ पर अभी घूम रहे हैं ऐसा ही, देख लीजिए गाड़ी वगैरह सब जा रहा है, मेन हाईवे यहाँ पे है। और गाइज खाली यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा, तो अभी मस्त बिल्डिंग है घूम रहे हैं हम लोग, अभी देखते हैं कहीं कुछ दिखाई देता है तो खाते हैं। तो गाइज आ गए मार्केट से घूम फिर के और वहाँ पर कुछ नहीं खाया गाइज, लेके आ गए पार्सल, और गाइज लेके आए हैं मुंबई का फेमस बड़ा पाव। गाइज देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ का सबसे फेमस डिश है गाइज वड़ा पाव, ये ब्रेड ये है वड़ा गाइज, आलू का जो चॉप रहता है वो आलू चॉप है, यहाँ पर इस दोनों को मिला के खाया जाता है, मतलब ऐसे इसमें ब्रेड में अंदर घुसा दिया जाता है इसका अंदर ऐसे फाड़ के। और गाइज ये बम्बई का एकदम फेमस डिश है, आपको कहीं भी गली में गुच्छी में कहीं भी मिल जाएगा गाइज। हमारे इधर लिट्टी चोखा फेमस है, वैसे यहाँ पर वड़ा पाव फेमस है गाइज, 15 का 1 मिलता है, तो कभी आइए मुंबई तो टेस्ट करिए वड़ा पाव, आके काफी मजा आता है, स्वादिष्ट लगता है। हम खाए पहले तो अभी तो इसको सेट करना पड़ता है ऐसे, इसमें फाड़ के अभी यहाँ पर ब्रेड को यहाँ से बीच से ऐसे फाड़ दो और इसमें एक वड़ा इसमें लगा के, और साथ में मिर्चा वगैरह अपना जो लेना है चटनी वगैरह रहता है इसमें डाल देते हैं। देख लीजिए अभी मस्त यहाँ पर वड़ा पाव अपना सेट कर लिया, अब इसको खाते हैं एकदम चाप के।